दूर ले जाओ। ये एक मिनी रोबोट है जो कि 500 kg पेलोड कैपेसिटी रखता है। इसे टैक्टिकल कॉम्बैट रोबोट कहते हैं, जीना 5.0। हमने ये रोबोट बनाया है सोल्जर्स को हेल्प करने के लिए अलग अलग टेरेन्स में, सैंड में, फॉरेस्ट एरियाज में, जहां पे सर्विलांस के लिए, इसे रेस्क्यू मिशंस के लिए और इवैक्यूएशन के लिए लोड, अगर लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट चाहिए कॉम्बैट को, आर्म्स खत्म हो गए हैं, मेडिकल सप्लाईज चाहिए, तो एक ह्यूमन को ना भेजकर कॉम्बैट जोन में, वॉर सिनेरियो में, इस रोबोट को 2 किलोमीटर दूर से ऑपरेट करते हुए इसे हर तरह की ट्रेन में इसे भेजकर और ये अपने ऑपरेशंस कर सकता है। साथ ही इसके ऊपर गन स्टेशन लग सकता है, वेपन स्टेशन जो आप देख सकते हैं, उसमें एनएमबी के ऊपर एंगेज करने के लिए, अगर कोई दुश्मन देश का आपकी बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो इसके ऊपर वेपन स्टेशन लगाया जा सकता है, हमारे पास है, और उसी से एनएमबी के ऊपर एंगेज करके उसे शूट डाउन किया जा सकता है। उनको सी गन लग जाती है, इसके ऊपर 5.56 LMG लग जाती है, 9mm बोर एंड 12mm बोर, साथ ही साथ ग्रेनेड लॉन्चर भी लग जाते हैं इसके ऊपर, जो कि हाउस क्लीनिंग एक्टिविटीज के लिए यूज होता है। तो वो सारा रिमोट से फिर फायर होता है, कम्प्लीटली रिमोट कंट्रोल यूनिट है, इससे इसी पे सारा लाइव वीडियो फीड आता है और यही रिमोट से कंट्रोल होते हैं सारे आर्म्स, सारे वेपन्स। ये मिलिट्री यूज कर सकती है बॉर्डर सर्विलांस के लिए, जो गश्त देते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, उसमें ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग के मैकेनिज्म से वर्क करता है। तो ग्राउंड स्टेशन पे जो सोल्जर बैठे हैं मेन कंट्रोल रूम में, वो किसी चीज को लॉक कर देंगे, एनिमी टैंक को लॉक कर देंगे अपने के स्क्रीन के ऊपर, तो ये उसे ट्रैक करता रहेगा और उसको कंटिन्यूस लाइव फीड आपके मॉनिटर के ऊपर देता रहेगा। इसके ऊपर रेस्क्यू बास्केट स्ट्रेचर लग जाता है, जो कि इंजर्ड पर्सन, अगर कोई इंजर्ड हो गया, यूजुअली पहले एक दो लोग रेस्क्यू को पकड़ते थे, एक अगर कोई इंजर्ड है उसके लिए, और फिर मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए, प्रोसेस लंबा होता था और उसके मरने के चांसेस ज्यादा हो जाता क्योंकि ब्लड लॉस हो जाता। उसकी जगह हमने ये रोबोट प्रपोज कर रहे हैं, जिसमें ये रोबोट यूज हो सकता है। इसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे की तक है, तो ये सही टाइम पर मेडिकल इवैक्यूएशन कंट्रोल रूम, मेडिकल हॉस्पिटल तक, उस कमांड सेंटर तक ये पहुंचा सकता है ऑटोनोमसली और रिमोटली, दोनों तरीके से, जिससे सोल्जर की जान बच सकती है अगर कोई इंजर्ड है।